जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे अधिक मास पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा में छठे अध्याय की कथा। अभी तक आपने अगर पिछले अध्याय कथा को नहीं सुना हो तो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप वहां से जाकर के पिछले अध्याय कथा को श्रवण कर सकते हैं। हिंदू धर्म में अधिक मास का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इसे अधिक मास, पुरुषोत्तम मास आदि नामों से जाना जाता है। इस महीने में गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करना, इन सबों का विशेष महत्व माना गया है। अधिक मास में जितने भी पुण्य कार्य किए जाते हैं इसका कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर पाप कार्य किए जाएं तो उसका फल भी अधिक होता है। इसलिए जहां तक हो सके अधिक मास में पुण्यों का कार्य करना चाहिए। भगवान का पूजन, कथा श्रवण, नाम जप आदि का कार्य करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए आज सुनते हैं अधिक मास महात्म्य कथा में छठे अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, श्री राधा कृष्ण की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, सर्व देवी देवता की जय। नारद जी बोले कि भगवान गोलोक में जाकर क्या करते हैं, हे पाप रहित मुझ श्रोता के ऊपर कृपा करके आप बतलाइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, पाप रहित अधिक मास को लेकर भगवान विष्णु के गोलोक जाने पर जो घटना हुई वह हम कहते हैं, सो आप सुनिए। उस गोलोक के अंदर मणियों के खंभों से सुशोभित सुंदर पुरुषोत्तम के धाम को दूर से भगवान विष्णु देखते हैं। उस धाम के तेज से बंद हुए नेत्र वाले विष्णु धीरे धीरे नेत्र खोलकर और अधिक मास को अपने पीछे कर धीरे धीरे धाम की ओर जाते हैं। अधिक मास के साथ भगवान के मंदिर के पास जाकर विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उठकर खड़े हुए द्वारपालों से अभिनंदित भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की शोभा से आनंदित होकर धीरे धीरे मंदिर में गए और भीतर जाकर शीघ्र ही पुरुषोत्तम कृष्ण को नमस्कार करते हैं। गोपियों के मंडल के मध्य में रत्नमय सिंहासन पर बैठे हुए श्री कृष्ण को नमस्कार कर पास में खड़े होकर विष्णु बोले, गुणों से अतीत गोविंद, अद्वितीय अविनाशी, सूक्ष्म विकार रहित विग्रहवान, गोपों के वेश के विधायक, छोटी अवस्था वाले, शांत स्वरूप गोपियों के पति, बड़े सुंदर नूतन मेघ के समान श्याम, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर वृंदावन के अंदर रास मंडल में बैठने वाले पीतरंग के पीतांबर से शोभित सौम्य भौहों के चढ़ाने पर मस्तक में तीन रेखा पड़ने से सुंदर आकृति वाले रासलीला के स्वामी, रासलीला में रहने वाले, रासलीला करने में सदा उत्सुक दो भुजा वाले मुरलीधर, पीत वस्त्रधारी अच्युत, ऐसे भगवान की मैं वंदन करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर पार्षदों द्वारा सत्कृत विष्णु रत्न सिंहासन पर कृष्ण की आज्ञा से बैठे। श्री नारायण बोले, यह विष्णु का किया हुआ अस्तुत प्रातः काल उठकर जो पढ़ता है उसके समस्त पाप नाश हो जाते हैं और अनिष्ट स्वप्न भी अच्छे फल को देते हैं और पुत्र पौत्र आदि को बढ़ाने वाली भक्ति गोविंद में होती है। आकृति का नाश होकर सत्कृति की वृद्धि होती है। भगवान विष्णु बैठ गए और कृष्ण के आगे कांपते हुए अधिक मास को कृष्ण के चरण कमलों में नमन कराते हैं। तब श्री कृष्ण ने विष्णु जी से पूछा कि यह कौन है, कहां से आया है और क्यों रो रहा है। इस गोलोक में तो कोई भी दुख भागी नहीं होता है। इस गोलोक में रहने वाले तो सर्वदा आनंद में मग्न रहते हैं। ये लोग तो स्वप्न में भी दुष्ट वार्ता या दुख भरा समाचार सुनते ही नहीं। अतः हे विष्णु, यह क्यों कांपते हैं और आंखों से आंसू बहाता दुखित हमारे सम्मुख किस लिए खड़ा है। श्री नारायण बोले, नवीन
मेघ के समान श्याम सुंदर गोलोक के नाथ का वचन सुन सिंहासन से उठकर महाविष्णु मलमास की संपूर्ण दुख गाथा कहते हुए बोले। श्री विष्णु बोले कि हे वृंदावन की शोभा के नाथ, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, इस अधिक मास के दुख को आपके सामने कहता हूँ, आप सुनिए। इसके दुखित होने के कारण ही स्वामी रहित अधिक मास को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके उग्र दुख रूप अग्नि को आप शांत करें। यह अधिक मास सूर्य की संक्रांति से रहित है, मलिन है, शुभ कर्म में सर्वदा वर्जित है। स्वामी रहित मास में स्नान आदि नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर वनस्पति आदिकों ने इनका निरादर किया है। द्वादश मास कला क्षण अयन संवत्सर आदि शेष वीरों ने अपने अपने स्वामी के गर्व से इसका अत्यंत निरादर किया है। इसी दुखाग्नि से जला हुआ यह मरने के लिए तैयार हुआ, तब अन्य दयालु व्यक्तियों द्वारा प्रेरित होकर हे ऋषिकेश, शरण चाहने की इच्छा से हमारे पास आया और कांपते कांपते घड़ी घड़ी रोते रोते अपना सब दुख जाल इसने मुझसे कहा। इसका यह भारी दुख आपके बिना टल नहीं सकता, अतः इस निराश्रय का हाथ पकड़कर आपकी शरण में लाया हूँ। दूसरों का दुख आप सहन नहीं कर सकते हैं, ऐसा वेद जानने वाले लोग कहते हैं, अतएव इस दुखित को कृपा करके सुख प्रदान कीजिए। हे जगतपते, आपके चरण कमलों में प्राप्त प्राणी शोक का भागी नहीं होता, ऐसा वेद जानने वालों का कहना कैसे मिथ्या हो सकता है। मेरे ऊपर कृपा करके भी इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि सब काम छोड़कर इसको लेकर मैं आया हूँ, मेरा आना सफल कीजिए। बारंबार स्वामी के सामने कभी भी कोई विषय न कहना चाहिए, ऐसी नीति के जानने वाले बड़े बड़े पंडित सर्वदा कहा करते हैं। इस प्रकार अधिक मास का सब दुख भगवान श्री कृष्ण से कहकर हरि कृष्ण के मुख कमल की ओर देखते हुए कृष्ण के पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप दाताओं में श्रेष्ठ हैं, आपकी दीर्घायु हो, जिससे हम लोग आपके मुख से भगवान की लीला के कथा का रूप अमृत का पान करते हैं। हे सूत, गोलोकवासी भगवान कृष्ण ने विष्णु के प्रति फिर क्या कहा और क्या किया इत्यादि लोकोपकार विष्णु कृष्ण का संवाद सब आप हम लोगों से कहिए। परम भगवत भक्त नारद ने नारायण से क्या पूछा, हे सूत, इसको आप इस समय हम लोगों से कहिए। नारद के प्रति कहा हुआ भगवान का वचन तपस्वियों के लिए परम औषध है। इस प्रकार से श्री बृहन्नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा में छठे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, श्री राधा कृष्ण की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसके आगे की कथा जो कि आप अगले अध्याय में सुनेंगे। इसी प्रकार से कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल पे आप बने रहें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।